एवरेज मीडियन ऑफर एट ओपन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर परप्लेक्सिटी परफ्लेक्सिटी में लोग जो जा रहे हैं वो पहले बंदा थ्री हंड्रेड के कमा रहा था गूगल में उसे गूगल में रहने के लिए नाइन हंड्रेड टू वन मिलियन डॉलर दिया जा रहा है सो हेलो वी वॉन्ट टू डे वी आर हैविंग जनरेटिव ए आई टॉक्स डेटा एनालिटिक्स कंप्यूटर साइंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सम्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्योंकि हमारे साथ हैं अभिषेक बिकॉज ही वर्क एट वन ऑफ द टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी कॉल्ड इन्वेस्को जहाँ पे मैंने भी काफ़ी एसेट इन्वेस्ट किए हैं अमेजिंग रिटर्न सो हाई अभिषेक कैन यू प्लीज रोड्यूसर सर श्योर थैंक्स थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी हर नोट एंड बेसिकली आई एम अभिषेक हाईवरी वन एंड आई करंटली वर्क इन्वेस्को एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट प्रायर टू दिस मैं ल्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता था वहाँ भी डेटा साइंटिस्ट था उससे पहले मैंने जॉर्जिया टेक से मास्टर्स किया कंप्यूटेशनल डेटा एनालिटिक्स में एंड यू में आने से पहले मेरा इंडिया में तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस था इन ऑयल एंड नेचुरल गैस और कॉरपोरेन में ओ में एंड मेरा अंडरग्रैड इज़ बेसिकली इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स गोवा अपनी बैकग्राउंड बताना वाई टेक एंड वाई एनालिटिक्स जो आपने चूज किया जॉर्जिया टेक जी तो uh, मैंने मेरी बैचलर्स करी थी बिट्स uh, गोवा से uh, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में किया था एंड देन आई लाइक वर्क फॉर ओ एन जी सी इन इंडिया विच इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी तो वहाँ पे मेरा मोर ऑफ कंप्यूटेशनल फ्लूड डाइनमिक्स और ये सब का काम ज़्यादा रहता था लाइक फ्लूड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया और सबको हम बेसिकली सिमुलेट करते थे तो ओवर द टाइम ऐसा था कि इसमें बहुत डेटा कलेक्शन होता था एंड वी आर टू बिल्ड रिग्रेशन मॉडल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड एवरी थिंग एंड धीरे धीरे ऐसा लगा कि लाइक like, मैं कंप्यूटेशन का काम कर ही रहा हूँ एंड मेरे बड़े अच्छे कलीग हैं गौरव मिश्रा जी जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि तुम मास्टर्स क्यों नहीं कर लेते इसके अंदर तो जैसा हो आए थॉट कि लाइक like ये पढ़ रहा हूँ तो फिर मैंने और प्रोग्राम्स वगैरह देखे क्योंकि मेरा सी बैकग्राउंड नहीं है तो आई थॉट कि लाइक like सी में जाने का इमीडिएटली कोई मतलब नहीं है बिकॉज आई कैट जस्ट लाइक ट्रांजेशन इमीडिएटली फ्राम वन सेक्टर टू अदर राइट तो आई थॉट कि लाइक वाई नॉट स्टडी दिस मोर तो थोड़े प्रोग्राम को रिसर्च किया ऐसा किया uh, फिर लगा कि कुछ कुछ प्रोग्राम अच्छे निकले जैसे कि एम का एक एम एन करके है एम बे एनाटिक्स बेसिकली देन uh, जॉर्जाटेक का मास्टर्स एनालिटिक्स है ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम है यूटी टी वगैरह तो फिर अल्टीमेटली देखा कि थोड़ा पैसा जॉर्जाटेक में ज़्यादा बच रहा है क्योंकि टी एसप वगैरह शुरुआत से मिल रही थी ज़्यादा wow. पे करना नहीं पड़ रहा था ah. <laughs> तो मैंने कहा चलो लोन भी नहीं लेना पड़ रहा है ओवर द टाइम अगर पढ़ना है तो फिर ऐसे मैंने टेक like में जॉर्जाटेक फाइनलाइज किया इन टर्म्स ऑफ कोर्स क्वालिटी एंड लाइक फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए इनक्रेडिबल बिकॉज आई कैन बिलीव की मेरे जितने भी दोस्त हैं ना इंक्लूडिंग मी हाँ जितने भी हम सब ने मास्टर्स किए हैं फुली फंडेड किया है एंड आई कैन बिलीव की कि जब मैं बाहर जाता हूँ एटलांटा के आई नवर हेयर दीज स्टोरीज ये इतनी रेयर mm -hmm. लोग मेरे साथ रह जो मेरी वीडियोज देखते हैं लोग सोचते हैं स्कॉलरशिप लेना बहुत आसान है पर अगर आप एटलांटा से बाहर जाओ लाइक फुली फंडेड प्रोग्राम नॉट एज ईजी टू गेट एज यू माइंड थिंक आपको बहुत exactly. बहुत रिसर्च करनी पड़ती है बहुत ज्यादा प्रोग्राम से बात करनी exactly. पड़ती है exactly. Absolutely. आप बताना टॉप डिग्रीज क्या होंगी डेटा साइंस करने के लिए जॉर्जेट इफ यू हैव थिंक अबाउटा डेटा साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस बट या फिर डेटा एनालिटिक्स या फिर डिग्री मैटर नहीं करता है ओके तो इस केस के अंदर ऐसा है कि देखिए आपका बैकग्राउंड पर बहुत डिपेंड करता है राइट right? तो अगर आपने अंडरग्राउंड में सी वगैरह पढ़ा है तो यू कैन इजिली बिल्ड अप ऑन डिफिकल्ट आई वोट से डिफिकल्ट लाइक बट मैथ एंड कोडिंग ओरिएटेड कोर्सेस जैसे कि आपका मशीन लर्निंग हो गया डीप लर्निंग हो गया राइट right? तो बी आई वुड से बेसिक ट्रांजेक्शन फ्राम सी एस वुड बी टू गेट अ मास्टर्स इन सी एस राइट एंड देन यू कैन सर्च फॉर जॉब्स आउट राइट एंड हैविंग अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस इज गुड बिकॉज ताकि आपको इन जनरल बिजनेस प्रोसेस पता होते हैं कि आप मतलब मॉडलिंग बनाने से पहले बहुत सारी मीटिंग्स वाला काम होता है राइट right? जो क्योंकि लोगों को पता नहीं होता बट वो तो करना पड़ता है कुछ करने के लिए राइट तो उससे आप गेज कर सकते हैं कि लाइक क्या आपको इस वाला इस टाइप का डेटा साइंस में जाना भी है क्योंकि डेटा साइंस में भी, भी कई सारे टाइप्स हैं आजकल जैसे सेगमेंट होने लग गया है कि एक तो प्रोडक्ट एनालिटिक्स हो गया है एक हो गया है सिर्फ इनसाइट्स वाला काम सॉरी एक हो गया है सिर्फ आ, आपका रिसर्च वाला काम और एक हो गया एक्चुअली मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वाला काम राइट तो प्रोडक्ट एनालिटिक्स में हम ज़्यादा देख रहे हैं कि लाइक जैसे मुझे मार्केट एनालिसिस कम्पेरेटिव एनालिसिस ए बी टेस्टिंग या सिस्टम्स बनाने हैं right? राइट आपका रेगुलर जो रिसर्च वाला काम हो गया उसमें अब बस ये देख रहे हैं कि मैं अलग अलग मॉडल्स करके कैसे इनसाइट्स निकाल सकता हूँ किसी चीज़ के बारे में और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में आप एक्चुअली पाइपलाइंस बना रहे हैं या तो ट्रेनिंग है इन्फ्रेंसिस के लिए तो ये है सो so, एक सी एस अगर आप ले लेते हो यू विल हैव लेस चांसेस ऑफ गोइंग क्योंकि एक पेरेंट डिग्री आ जाती है जहां exactly. पे आप ज्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं exactly. तो डेटा साइंस अनलेस आपके पास पूरी क्लैरिटी नहीं है आपको वो नहीं करना चाहिए कंप्यूटर exactly. साइंस तो से आप आप हर चीज अचीव कर सकते हैं एक्जैक्टली सो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक्स एंड जेंस दफ़ दूसरे यूज कर रहे हैं दोनों डेटा चार्ज इज द डिफ्रेंस जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मेरा डेफिनेशन भी उसमें इंक्लूडेड है तो मेरा ऐसा सोचना है कि एनॉलिटिक्स इज मोर ऑफ आपका एन एक्सटेंशन ऑफ कॉमन सेंस थ्रू मैथमेटिक्स सो एनालिटिक्स की आप किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो एंड यू कैन इधर यूज यूर ओन इंटुएशन यू कैन यूज यू कैन यूज यवर ऑफ दट वो एंड फिर आप किसी चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हो कुछ उससे इंसाइट्स निकाल रहे हो तो दैट इज़ मोर ऑफ एनालिटिक्स ठीक है और वो हर डिपार्टमेंट सेक्टर में पहले से ही चलते आ रहा है इजट उसको बहुत फॉर्मलाइज करके अभी प्रेजेंट किया गया है इन टर्म्स ऑफ कि लाइक अब मेरे डिपार्टमेंट ऑफ एनालिटिक्स भी होना चाहिए मेरी कंपनी में या एक डेटा साइंस का होना चाहिए एवरी सो so, मेरा ऐसा सोचना है कि इसके रूट्स मेनली आपके बिजनेस इंटेलिजेंस हैं वेन लेट्स लट से आपका सीनियर लेवल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल जो भी है वो उसको कुछ इंसाइट चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो वो अपने जूनियर्स को बोलता है कि लाइक like, मुझे इसकी रिपोर्ट वगैरह चाहिए तो ओरिजिनल रूट्स आई वुड से फ्रॉम रिपोर्टिंग से चालू होते हैं जब आपके पास हर चीज़ का डाटा समहाउ कलेक्टेड था एंड आपको जानना था कि लट से मे बी मेरा लैपटॉप कहाँ ज़्यादा बिक रहा है वेयर मैक uh, मैकबुक Mac, कहाँ ज़्यादा बिक रही है या मैं किस मार्केट uh, uh, को ज़्यादा टारगेट कर सकता हूँ राइट तो यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें चालू हुई स्टार्ट्स uh, आया ऑपरेशन आया ओवर द टाइम कंप्यूटिंग पावर धीरे धीरे सबके पास आती गई राइट right? पहले कंप्यूटर वॉज अस्कार रिसोर्स सबके पास अवेलेबल नहीं होता था तो लोग हाथ से भी मैनेज करते थे तो पुराने टाइम में देखेंगे तो वही खाते को भी लोग एनालाइज़ करके बता देते थे कि अच्छा मेरा मे बी इतना प्रोजेक्टेड इनकम uh, अगले महीने हो सकता है नहीं हो सकता राइट दैट इज़ ऑलसो एनालिटिक्स सो मोरल लेस एनालिटिक्स ये है ए आई आई वुड से धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती गई आपका स्टोरेज काफ़ी आसानी से अवेलेबल हुआ कंप्यूटर पावर बहुत बढ़ गई जी जो नई चीज़ आई बेसिकली या एसिक बेस्ड प्रोसेसर आने लगे जैसे जैसे ये ज़्यादा प्रोग्रेस होने लगे कंप्यूटर पावर बहुत ईजिल अवेलेबल है तो जो एल्गोदम्स पहले बनाए गए थे जो कि आपके जैसे डीप लर्निंग बेस्ड जो भी आज को जिसको डीप लर्निंग बोलते हैं अल्टीमेटली दोज आर एन एक्सटेंशन ऑफ आपका पुराना जिनको न्यूरल नेट्स बोलते हैं राइट तो मैथ फिक्स्ड है मैथ कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है मॉडल्स थोड़े इनोवेटिव हो गए हैं बिकॉज आपके पास अब नाउ कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा है तो कंपनीज़ हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑल ऑफ देम ऑन अ लार्जर स्केल और ए आई एक ऐसी टर्म है जिसको एनकम्पस जो एनकम्पस करता है बहुत सारी स्मॉल टर्म्स term जैसे मशीन लर्निंग हो गई या क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स हो गए स्टैटिस्टिक्स हो गई या सब कुछ भी हो गया तो आई वुड से ए आई सॉर्ट ऑफ एनकम्पस एवरी थिंग इज अ वेरी जेनेरिक टर्म टू लाइक डू समथिंग इन एन ऑटोमेटेड मैनर एनाटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर स्टिल अभी भी आपका ह्यूमन एलिमेंट अभी भी अवेलेबल है यू कैन यूज इंटन टू गेट अ हैंग ऑफ कि ये ठीक है या नहीं मेरा एनालिसिस सही है या नहीं या मुझे करना चाहिए या नहीं गॉरेंट तो ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेटा स्टडी करके रिजल्ट बताते हैं जैसे मैं एक रिज़ल्ट पढ़ के बता सकता हूँ कि यार मैकबुक एम वन इंटेल से थ्री एक्स फास्टर है मैंने डेटा देखा अब बता दिया hmm. अब ए आई होगा कि आई एम

उन पहले ही बंदा थ्री के कमा रहा था गूगल में उसे गूगल में रहने के लिए 900 हंड्रेड टू वन मिलियन डॉलर दिया जा रहा है और लाइक मीडियन ऑफर इतना ज़्यादा है एंड मेजोरिटी लोग कहते हैं कि डिमांड ए की ज़्यादा है पर सप्लाई कम है और इन द ऑन द अदर हैंड आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सप्लाई <laughs> ज़्यादा <है>, डिमांड <laughs> कम है सो नॉट एवरी वन केन लर्न सो वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस हाइप की जो जो भी लोग ए आई हाइप में जा रहे हैं सबसे पहले बताना कौन सी स्किल सेट है इनके पास ओके okay. तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ए

नाउ दैट मॉडल कुड मिमिक मे बी अर्थ के अंडर अर्थ को कैसे चलते हैं दैट मॉडल कैन मिमिक मेनली कि मैं कुछ बोलता हूँ इंग्लिश में तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं नाउ दैट मॉडल कैन सो मिमिक कि मेरा फ्यूचर में फोरकास्ट कितना होगा है वो बेसिकली मॉडल जो कि ह्यूमन काम करता है मैं उसको एक प्रिमाइस बना के बोल दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ को सिम्युलेट करें ठीक है उसको मॉडल बोलते हैं ए के साथ ओवर द टाइम होते होते ऐसा हो गया है कि लाइक like ये मॉडल्स इतने इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं कि दे इक रेप्लीकेटिंग गुड अमाउंट ऑफ स्टफ एट अ कोर लेवल आई वुड से दे आर स्टिल पैरट्स ओके आपने बहुत कुछ उसको सिखा दिया उसका प्रिमाइस वही रहता है जो आपने उसको सिखाया वो इमिडियटली इनोवेटिव चीजें बनाना वट बिल मुश्किल उसमें आपको स्टिल एक ह्यूमन एलिमेंट चाहिए तो एल एल एम कुछ नहीं है एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल दैट इज एल एल एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो मॉडल का साइज छोटा हो सकता है तो मे बी उसका आउटपुट उतना अच्छा ना लगे बट अगर मॉडल साइज बिगर है तो जनरली मतलब इट्स नॉट नेसेसरी बट जनरली ऐसा देखा गया है कि मॉडल के आउटपुट्स बेटर होने लगते हैं सर जैसे एग्जांपल एग्जांपल हो गया कि जीपीटी हो गया ओपन ए आई कितने सारे एल एल एम एग्जाम्पल जीपी टी थ्री का एल एम right. है सो दीज आर ट्रेन मॉडल्स जो कोई right. भी यूज कर सकता है इनको यूज करके लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक में समराइज कर दिया ई मेल जी मेल भी स्टार्ट कर रहा है कि आपकी ई मेल समराइज होगी आप ए आई के थ्रू ई मेल कर सकते हो तो अब ये जो लोग ए आई में जा रहे हैं इनकी क्या के पास क्या स्किल सेट्स है क्या ये एक्चुअली लाइक पी एच डी होल्डर्स हैं इन डेटा साइंस या फिर एक आम हमारे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं? जी तो मैंने जो नोट किया है इंडस्ट्री में ट्रेंड लाइक एंड आई विल ब्रिंग बैक द सेम एग्जांपल आई थिंक हमने पहले डिस्कस किया था शायद कि uh, तो जब एलॉन uh, ने आंद्रेज करपति को लाइक ही हायर बेसिकली टू सॉर्ट ऑफ लीड हिज कंप्यूटर विजन डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टैनफोर्ड फ्रॉम स्टैनफोर्ड बेसिकली वन ही कंप्यूटर इज पी एच डी एन एवरीथिंग सो एलॉ ने बेसिकली एक पार्टी रखी थी अपने घर पर लाइक आई एम बिल्डिंग माई न्यू ऑन दिस कंप्यूटर विजन टीम फॉर सेल्फ ड्राइविंग एंड एवरीथिंग एंड वहाँ पे उसने टॉप लोगों को बताया जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में फेमस थे तो लाइक आंद्रेज का डीप लर्निंग का कोर्स इज वेरी फेमस लाइक

क्योंकि साइंस मोर लेस क्या आपका जो पब्लिश पेपर्स हैं उस पर बाउंड है लोग नए नए रिसर्च करते हैं जिसका पेस ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है अल्टीमेटली जो रिसर्च पेपर में लिखा होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्केल इट अप वो बहुत अच्छा चलेगा मान लीजिए दस लोगों के लिए बट लेट्स से अगर मेरी कंपनी गूगल टाइप की है माइक्रोसॉफ्ट टाइप की है जहाँ पे आई डोंट नो मिलियंस ऑफ यूजर्स मेरे पर सेकंड मेरी वेबसाइट को हिट कर रहे हैं उन सबको इन्फ्लुएंस चाहिए कि वो क्वेश्चन लिख रहा है कुछ ना कुछ कि नेचुरल लैंग्वेज में और उसको आंसर चाहिए कि मुझे आज क्या हो रहा है न्यूज़ का चाहिए तो जस्ट इमेजिन की स्केल ऑफ सिस्टम क्या रहेगा राइट right? तो मेरा ऐसा सोचना है कि ओवर द टाइम अगर आपको हार्ड कोर यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ पीपल और सर्कल वे आर एक्चुअली बिल्डिंग योर ए आई मॉडल्स राइट जो कि फेमस है जैसे जी पी टी वगैरह हुए या पुराने टाइम पे बर्ट वगैरह हुआ करते थे तो आपको आई वुड से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए एज कम्पेयर टू एनी अदर लाइक मशीन लर्निंग शॉर्ट ऑफ स्किल क्योंकि एंड ऑफ द डे दीज आर कंप्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो कि बहुत वास्ट लेवल पे चीज़ों को इन्फ्लुन्स कर रहे हैं लोगों को वो दे रहे हैं नाउ नाओ मेरा अगेन ऐसा सोचना है कि लाइक जो एआई पॉपुलराइज़ किया गया राइट विच इज़ बेसिकली द मास एआई दैट हैज़ बीन पॉपुलराइज दैट इज़ विद द यूज ऑफ़ दीज मॉडल सो लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू बिल्ड दीज मॉडल बट यूज दीज मॉडल्स टू डू समथिंग मोर क्रिएटिव तो कोई आई डोंट नो मे बी कोई ये बना सकता है अपनी आप बना ली कि यार uh, मेरा डेली जर्नल जो भी है मुझे इस इस टाइप के फॉर्मेट में वो ना लिखावा होना चाहिए राइट एंड right? कुछ लोगों को उसकी आप अच्छी लगी तो दैट गा इज प्रोबली यूजिंग जी पी टी बेस्ड मॉडल्स टू सेल दैट टाइप राइट उसमें उस बंदे का काम ए आई से रिलेटेड ये नहीं है कि लाइक वो ए आई बना रहा है वो ए आई यूज़ करके कुछ एप्लीकेशन बना रहा है तो वास्ट वैराइटी ऑफ स्किल्स है बट लेट्स से कि अगर आपको ओपन ए आई वगैरह में जाना है तो ऑब्वियसली कॉलेज नेम थोड़ा शायद मैटर करता हो आई एम स्टिल नॉट श्योर बट दे आई वुड से दे प्रेफर मोर लाइक दे दे प्रेफर पीपल हु आर वेरी गुड इंजीनियर्स जिनको सी एस बहुत अच्छे से आता हो एज़ कम्पेयर टू कि आपको डीप लर्निंग बहुत अच्छा से आता है क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल चीज है It's very easy to learn जो भी है है। उसको mass scale पे करना बहुत मुश्किल oh, so में ये ज़्यादा पर पर कि uh, भी average CS students को तो ऐसी जॉब मिल नहीं रही है तो so, इतना इतना जितना मतलब right. कहने को कह सकते हैं कि एवरेज पीपल हुआ बट एक एवरेज सी स्टूडेंट मतलब वो एलिजिबल ही नहीं वहाँ जाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है राइट तो उसमें वही चीज़ आ जाती है कि लाइक सप्लाई बहुत ज़्यादा है जैसे आपने बोला डिमांड बहुत कम है अब डिमांड क्यों कम हुई ए आई की डिमांड तो बहुत है बट क्या है कि जो टीम्स उस चीज़ को बना रही हैं वो बहुत छोटी हैं छोटी इन द सेंस मे बी सौ लोग हुए दो सौ लोग हुए ज़्यादा से ज़्यादा तीन सौ लोग हुए पाँच सौ भी मान लो गूगल में पाँच सौ लोग लेट्स अज्यूम अज्यूमथेटिकल आई डोंट नो द एक्चुअल फिगर बट लेट से 500 लोग भी किसी चीज़ को गूगल में अपना मॉडल बना रहे हैं ओपन एआई में 500 लोग बना रहे हैं आई डोंट नो डों ओपन एआई इज एज एज बेवन हंड्रेड पीपल बट लेट्स सेक दैट नंबर फॉर अजम्पशन ठीक है तो जस्ट इमेजिन कि कितने सारे आपके जॉर्जिया टेक्स से हर साल आठ सौ हज़ार लोग मे बी सी एस से करके निकल रहे हो राइट ऑनलाइन वगैरह मिला के यू एस के टॉप दस पंद्रह कॉलेजेस बीस कॉलेजेस भी ले ली तो जस्ट इमेजिन द फिगर उसकी टीम चार सौ की है जो कि प्रोबेबली वो चार सौ लोग अगले चार पाँच साल रहेंगे और आप हर साल बीस हजार बहुत अच्छे लोग प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि वो काम करना चाहते हैं बट उनको चाहिए ही नहीं क्योंकि उनकी टीम फिक्स्ड है एंड क्या है बहुत सारी जो एक्चुअल नॉलेज है सिस्टम्स को बनाने में वो कभी भी पब्लिश नहीं होगी ये फिक्स्ड है हाँ।, हाँ तो क्या है कि आ, कई सारा जो आपका जो नॉलेज है जो इन सिस्टम्स को बनाने में यूज करी गई है वो कभी पब्लिक नहीं होगी वो नॉलेज इज एक्चुअली और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का अंडरस्टैंडिंग आ, ये जब गूगल हमेशा से गूगल ने अपना एक बड़ा अच्छा पेपर पब्लिश किया था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड राइट एक एक वासवानी करके उनका अच्छे रिसर्चर है उन्होंने डाला था विच बेसिकली इज़ द फाउंडेशन ऑफ जी बेस्ड और बर्ट बेस्ड मॉडल एनकोडिंग डिकोडिंग इन सबके बट उसको स्केलेबल कैसे बनाया उनका मॉडल तो फ़ोन में भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है आपको पता ही नहीं हो कैसे चल रहा है राइट right? तो उनकी कई सारी टीम्स हैं विच आर स्पेशलाइजिंग इन लाइक ट्रांसलेटिंग दीज रिसर्च बेस्ड थिंग्स इन टू एक्चुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन सर्व विद इन सम ड्यूरेशन जस्ट इमेजिन की लाइक मेरे फोन में तो मैंने जी पी टी डाल दिया वो उसको आउटपुट देने में ही छः सेकेंड लग रहे हैं तो जनरल टाइम इज टू सेकेंड फॉर अ कंज्यूमर दो सेकंड के बाद यूजर रिलेटेड होता है यार क्या वेबसाइट बना दी चली नहीं रही है सो तो, है ना तो उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत अच्छी लेवल ऑफ इंजीनियरिंग आनी चाहिए उस टाइप की नॉलेज जनरली क्लोज होती है हो उस कंपनी के अंदर वो कभी उसको पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि वो ही उनका यूएसपी है अगर इतना इन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया क्यों स्टिल सिर्फ दो तीन कंपनी ही उतना मॉडल्स बना पा रही हैं एक तो नॉलेज है और दूसरा कंप्यूट का आ जाता है हर किसी के पास आई डोंट नो इतने सारे जी पी अवेलेबल नहीं है यहाँ फॉर एग्जाम्पल एडविडिया के एक जी की कॉस्ट है थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थाउजेंड ने कितने खरीदे अभी हाँ अमेजोन ने भी खरीदा कहीं सारे मेटा ने आई थिंक इतने हंड्रेड के ऐसा कुछ अभी खरीदा है तो दोनों ने न्यूज पब्लिक करी थी uh. तो जस्ट इमेजिन एक एवरेज दस पंद्रह जनों की टीम भी अगर ऐसा मॉडल बनाना चाहती है राइट तो एक आपका पास मिलियंस ऑफ डॉलर तो सिर्फ हार्डवेयर के लिए होना चाहिए और जैसा आपने बोला ओपन एआ का अगर हम रूल लें एवरेज एट के टू वन मिलियन का अगर किसी की सैलरी है तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी टू सस्टेन अ टीम ऑफ टेन और ट्वेंटी पीपल हु कैन बिल्ड दिस मॉडल फॉर यू राइट तो कॉस्ट hmm. पर आ जाती है इतना पैसा इमीडिएट स्टार्टअप्स को तो मिलना बहुत मुश्किल है करेक्ट हाँ तो इस कारण लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द फंडिंग दे आर एबल टू सर्वाइव राइट अब बताना इफ़ समवन हैज टू स्टार्ट लाइक यू नाउ अपनी एनालिटिक्स स्किल्स से दे आल्सो वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस एंड हाउ कैन दे डू इट श्योर तो देखिए मैं पहले मेरी बात कर लेता हूँ कि मेरा क्या दैट विल सॉर्ट ऑफ गिव अ गि रूल ऑफ व्हाट लाइक दैट विल गिव एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू कैन डू मे बी तो मैं सी एस बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करा ठीक है उसके बाद आ, हुआ यह था कि मैं स्टिल कोड करता था कि मुझे मैं सी पर फिर भी कोड करता था थोड़े बहुत सिमुलेशन वगैरह करने के लिए तो मेरी कोडिंग की प्रैक्टिस छूटी नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि लाइक मैं बहुत अच्छा कोडर था या बहुत अच्छा सी एस के फंड यूज करके कुछ प्रोग्राम बनाता था आई वुड राइट स्क्रिप्ट सो दैट दैट कैन बी रन इन टू मे बी कॉन्सॉल और एनसॉट और सॉफ्टवेयर उसको हम इंटरनली यूज़ करते थे तो मेरे लिए डेटा साइंस में घुसना वॉज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्क दैट आई वॉज डूइंग इन इंडिया तो मेरे लिए इतना एक ट्रांजेक्शन नहीं था कि ओहो ये क्या नई चीज़ आ गई इतना सारा स्टार्ट कैसे आ गया मैं कोड कैसे करूँगा मैं सी में कर रहा था तो ठीक है थोड़ा पैथन सीख लेते हैं पैथन में कर लेंगे तो ट्रांजेशन था तो आई वुड से वन ऑफ द मोट इम्पॉर्टेंट स्केले यूर एबिलिटी टू कोड बीट एनी लैंग्वेज टेक सी प्लस प्लस पायथन जावास्किट बट आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए लैंग्वेज अच्छे से आने से होता क्या है कि आपकी बेसिक सी फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉग हो जाते हैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बड़ा अच्छे से हो जाएगा ठीक है आपको थोड़ा मॉड्यूलर कोड लिखना आ जाएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह के बेसिक प्रिंसिपल आ जाएंगे कि इन जनरल कैसे चीज़ों को फास्ट बनाया जा सकता है ये सब करा जा सकता है थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि मैं बार बार लंबे लंबे लूप लिख रहा हूँ बट क्या उसको इंटेलिजेंट वैसे किया जा सकता है क्या तो आई वुड से स्टिल कोर ऑफ माई स्किल्स आर बेसिकली जो कोर्स ये स्किल्स होती है थोड़ा बहुत एल्गोरिदम्स के बारे, बारे में किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना ये सब आता है तो ये तो वन सेट ऑफ स्किल्स हो गया सेकेंड ऑफ स्किल विल बी और मैथ बेसिकली और थोड़ा बिजनेस इंटुएशन तो डेटा एनालिटिक्स के साइंस डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में जाना इज बेसिकली दैट एनालिटिक्स में जनरली लोग अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं फॉर बिजनेस इंसाइट राइट लेट्स से कि पी का एक्जाम्पल लेते हैं बहुत बड़ी सी पी कंपनी राइट कितने प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पर बिकते हैं शैम्पूस टूथपेस्ट साबुन कुछ भी जिलेट का रेजर वॉट एवर लाइक कुछ भी बेच देखते हैं राइट right? इतना डेटा है उनके पास अवेलेबल ओवर द टाइम एंड दे कैन जस्ट लाइक से ओके मेरा आज इतना चीज़ बिका इतना बिका बट उससे इनसाइट कैसे निकालेंगे राइट right? तो वो ह्यूमन बता रहा है ठीक है अब मैं एक मॉडल भी बना सकता हूँ जो कि वो ह्यूमन बना सकता है राइट एंड दैट कैन बेसिकली रिप्लेस द सॉर्ट ऑफ दैट ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग कि अगले महीने मेरा प्रोजेक्शन क्या है यह सब के तो इसके लिए मुझे स्टिल मेरी कोर्स थोड़ी बहुत स्किल्स right? आनी चाहिए सी एस की राइट एंड एट द सेम टाइम मुझे मैथ आनी चाहिए और स्टार्ट्स आनी चाहिए तो मैथ में आई वुड से थोड़ा लीनर एल जब रहा इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि मॉडल काम कैसे कर रहा है वरना तो आजकल क्या है कि आप साइ पे जाके कुछ भी लिख दीजिए ठीक है थोड़ा डेटा अवेलेबल है वो डॉट फिट लगा दिया है और उससे मॉडल बन गया बट आपको तो पता नहीं चलेगा आप कर क्या रहे वो ब्लैक बॉक्स है फाइन ट्यून कैसे करेंगे पैरामीटर समझ नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है राइट तो उसके लिए थोड़ी लिनर एल्जा आनी चाहिए और स्टार्ट इसलिए आनी चाहिए कि, कि किसी चीज़ को मैथेमेटिकली आप कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं कि जैसे ए बी टेस्टिंग करनी है किसी चीज़ की राइट तो क्या ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बिक रहा है ये ज़्यादा अच्छा बिक रहा है हाउ कैन आई डू दैट हाउ कैन आई प्रेजेंट दैट इनसाइड मैथमेटिकली कि थोड़ा टेस्ट कर लिया देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या था इन जनरल उसको नॉर्मलाइज करके देख लिया तो आई वुड से स्टार्ट से स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सो ओवरऑल लेस अगर मैं समराइज़ करूँ तो तीन बकेट्स हैं थोड़ी कोर सी की स्किल्स है थोड़ा मैथ है जिसमें लीनर एलजबरा आ गया डीप लर्निंग करना है तो थोड़ा डिफरेंशियल भी आना चाहिए एंड बेसिक स्टार्ट तो आनी ही चाहिए एंड तीसरा बगेट वुड बी ओर बिजनेस इंटोवेशन ऑसम तो आप एग्जांपल दे सकते हो ये सारी स्किल्स यूज़ करके आप अपना डे टू लाइफ कैसे काम करते हो एंड वट पार्ट ऑफ इन्वेस्को यू वर्क ऑन इफ यू फील कम्फर्टेबल या तो आई कैन टॉक अबाउट लाइक मैं इन्वेस्को में सिप uh, टीम के अंदर हूँ इज बेसिकली स्ट्राटेजी इनोवेशन एंड प्लानिंग तो हम नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं बट

नॉलेज बेस है आपके पास आपके पास एक एआई मॉडल है लैंग्वेज मॉडल अवेलेबल है तो आप उसको सम हाउ यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट कैन आंसर बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम द डेटा दैट यू हैव ओह तो कोई भी डेटा लिया उसको ट्रेन कर दिया एल से जैसे कोई एग्जाम्पल पे जी पी यूज़ किया आपका हाने. पूरा डेटा तो आप अपने डेटा के ऊपर बात कर सकते हो एक्जैक्टली exactly, एक्जैक्टली exactly. तो आप अपने अपना पूरा डेटा ट्रेन करते हो ताकि वो एआई की के यूज़ करके आप उससे चैट से बात कर पाओ जी तो इसके एक्चुअली दो बेसिस हैं एक है जब आपको मॉडल ट्रेन नहीं करना पड़े और दूसरा होता है कि जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग इन द सेंस में ट्रेन करना तो नहीं बोलूंगा थोड़ा फाइन ट्यून कर लोगे बेस्ड ऑन ए डेटा दूसरा तरीका है कि जस्ट आपने उसको थोड़ा एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया किसी एक वेक्टर स्टोर में रख लिया एंड उससे उसको बेसिकली आप यूटिलाइज करके सिमिलरिटी सर्च करके अपना आंसर जनरेट कर रहे हैं ओह तो एक हो गया ट्रेन करना एक उसको वेक्टर्स में रख देना ताकि आप उससे उस उसके एन से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से आप उसके टेक्स पकड़ के आप उससे समझ पाओ हाँ जी तो बेसिकली सिमिलर हम जैसे क्या करेंगे कि जैसे कि एंड दिस इज वेरी वाइडली अवेलेबल जैसे आपका आ, एक बड़ा ही फेमस एक आ, वो पैकेज आया है लैंग नाम का तो उसमें रेडीमेड बिल्ड सिस्टम्स हैं आप कोई भी मतलब उसमें प्लग इन कर लीजिए कोई भी एलएलएम जो कि एग्नोस्टिक है एंड यू कैन बिल्ड अ रैक सिस्टम तो होगा क्या जैसे कुछ आपके पास टेक्स्ट है मान लीजिए आप आपका डेली जर्नल लिखते हैं आपने अपनी डायरी बना रखी है राइट और मान लीजिए वो डायरी आपकी हज़ार पेज की हो गई चार पाँच साल की है ना तो उसमें आपने लिख रखा है कि चलो आज मुझे यहाँ घूमने जाना था या इस तारीख को मैं मैंने ये किया वो किया अब मुझे उसी से क्वेश्चन पूछना है कि यार मैंने तीन साल पहले क्या किया था राइट तो या तो आप जाओ देखो मैनली सर्च करो राइट पी में भी कन्वर्ट कर दोगे तो कंट्रोल लेफ करके कितने ही कीवर्ड सर्च ढूंढ पाओगे अब आप रैग बेस सिस्टम बनाओगे तो आप अपनी पुरानी ही डायरी को वेक्टर्स में कन्वर्ट करके एक डेटाबेस में डाल देंगे एंड फिर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो सिमिलरिटी सर्च करेगा एंड उसका रिलेवेंट थोड़े थोड़े टेक्स्ट लेके हम एल एल एम से पूछेंगे कि अब आंसर बताओ इस इस बेस के बेसिस पर hmm. तो मोर आर लेस काम करता है पर्सनल well, लाइफ में बड़ा अच्छा यूज है इसका जैसे आपका आप खुद ही का ही डेटा के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इसमें एन एल पी यूज होता है किसमें नहीं दोनों में यूज होता है दोनों में यूज़ दोनों में एनएलपी यूज हो रहा है जो जो फाइन ट्यूनिंग वाला मेथड है उसमें आप मॉडल को ही ऊपर एक एक्स्ट्रा एक सेट ऑफ पैरामीटर्स बना के इस तरीके से उसको फाइन ट्यून कर दे रहे हैं कि लाइक भैया ये मेरा पुराना टाइप का पुराना डेटा है इसको यूज़ करते हुए ही आगे आंसर देना वो थोड़ा महंगा पड़ता है अगर आप ओपन नहीं की वेबसाइट पर जाके देंगे तो उन्होंने फ़ाइन ट्यूनिंग अलाउ कर रखी है मॉडल की तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यार मतलब उसमें ना आपको मतलब मॉडल होस्ट करना पड़ता है खुद का जस्ट इमेजिन कि उनका तो एक मॉडल है ही उसके ऊपर आपने आपका पैरामीटर बना के अपना पैरामीटराइज्ड एक फाइन ट्यून करके अलग एक लेयर लगा दी और आप उसको होस्ट कर रहे हैं अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं तो जनरल पर्पस के लिए आई वुड से रैग बेस्ड सिस्टम काफ़ी आसान पड़ता है तो आप मेजॉरिटी कंपनीज रैक बेस यूज करती तभी सस्ता पड़ता है हाँ जी और हाँ। आजकल तो कई सारी क्लाउड कंपनीज भी अपने सिस्टम ऑफर कर रही है जैसे शायद गूगल गुग, क्या अमेजोन ने भी कुछ कुछ बनाया है अपना कैनरा नाम का जहाँ तक मुझे याद है माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ है जोर इंटेलिजेंस करके स्टूडियो ऐसा कुछ कुछ बना रखा है तो ये है मतलब वाओ यार दिस इज नॉट गोइंग ऑन हियर टोटली तो यार ये दैट वाज वेरी डीप इन तब आप बताना कि जब आप ये फाइन ट्यूनिंग करते हो आप रैग सिस्टम डेवलप करते हो तो मेनली कौन सी कौन सी स्किल्स आपकी काम आती है जैसे आप साइकिट यूज़ करते हो पाथॉन यूज़ करते हो गए सो so एक एग्जाम्पल से बता सकते हो यहाँ पर ये यह यूज़ हो रहा है यहाँ पर ये यह है बिल्कुल तो जैसे मान लीजिए कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट से मेरी खुद की ही डायरी है राइट मेरे कंप्यूटर के ऊपर एंड उसमें टेक्स्ट बेस पर मैंने काफ़ी सारा डेटा लिखा रखा हुआ है तो मेरा पर्सनली मैं क्या करूँगा दो तरीक़े हैं जैसे लैंगचिन बड़े अच्छा ही पैकेज है इस मामले के अंदर ठीक है उन्होंने काफ़ी ओपन सोर्स चीज़ें कर रखी हैं कि जिसमें मुझे बार बार बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़ता आई कैन जस्ट इंस्टॉल दैट पैकेज एंड वो अभी पाइथन और जावा दोनों पे अवेलेबल वेल है तो विच एवर यू वट एवर लैंग्वेज यू आर कम्फर्टेबल इन आप उसको यूज़ कर सकते हैं मैं पाइथन में ज़्यादा ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता हूँ जावा के मुकाबले तो पर्सनली जैसे मुझे बनाना होता है तो मैं जस्ट लाइक पाइथन यूज़ करूंगा एंड काफ़ी सारे ओपन सोर्स आपके ये वेक्टर डेटा भी अवेलेबल हैं जैसे कॉर्ड्रेंट वग़ैरह है आई थिंक अब पर्सनल यूज़ के लिए तो फ्री ही है तो कॉर्ड्रेंट हो गया और कुछ कुछ तो पी वेक्टर करके एक है जो कि पोस्ट बेस्ड वैक्टर वो है रेडिस ने भी आजकल कुछ एक प्लगन लॉन्च कर दिया है तो ये सब चीज़ें आपको ओपन सोर्स अवेलेबल हैं एंड आप इसको अपने उस पर बना सकते यूज कर सकते हैं तो वेक्टर स्टोर के लिए मैं ये कर लूंगा एंड मॉडल के लिए आप हमेशा चैट जी या किसी ओपन वेबसाइट पर जाके खुद की ए की ले लीजिए वो हार्डली आपको शायद कितना दस या बीस डॉलर महीने का पड़ता है करेक्ट सस्ता पड़ता है तो पर्सनल सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है तो आप उसको उसके एपीआई की यूज़ करके आपको उसका प्रोग्राम एपीआई एक्सेस मिल जाता है उसका तो आप बस उसको फिर कंबाइन कर लीजिए और आजकल ज्यादा कोड करने का भी नहीं क्योंकि कई सारे आपको गिटहब पे जाएंगे तो कोड बेसिस मिल ही जाते हैं राइट तो वहाँ से आप देख के बना सकते हैं तो ओवरऑल तो इस पूरे टास्क में कितने परसेंटेज ऑफ योर डे इज एक्चुअली कोडिंग तो मैं खुद का एग्जाम्पल अगर देखूँ तो मिक्स है लाइक इन्वेस्को केस में थोड़ा अलग रहेगा दैट आई कॉन्ट लाइक टॉक मोर अबाउट राइट तो मैं मेरा पर्सनल केस का बता सकता हूँ कि लाइक like, इसमें आइडिएशन का बहुत रहता है से कि मुझे मेरा ही खुद के लिए ऐप बनाना हो राइट जैसे मैंने बोला डायरी बेस्ड ऐप हो गई अब लट से कि मेरा मेरे पास हिस्टोरिक डेटा ऑफ ई भी पड़ा हुआ मेरा खुद के पास राइट या फिर मान लीजिए मुझे मैं कोई नई बुक पढ़ रहा हूँ से एनालिटिक्स पे कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कुछ भी पढ़ रहा हूँ राइट मुझे बड़ी अच्छी बुक लगी बट एज अ ह्यूमन मेरे लिए वो 400 पेज का पूरा रिमेंबर करना मुश्किल है अगर मैं उसको दो तीन बार नहीं पढ़ूँ तो मैं पूरे तरीके से उसको याद नहीं रख सकता कौन सी चीज़ की है

बहुत दूर है बहुत हाँ ओके नाउ लेट्स सेगवे तो आपने बहुत अच्छे इनसाइट्स दिए अब बात करते हैं आप पर्सनल लेवल पे आप इन्वेस्टिंग करते हो क्योंकि आप इवन दो हम बात नहीं करने वाले आप इन्वेस्ट को में कॉन ट्रेडिंग फॉर्म में बात करते कर आप क्वार ट्रेडिंग फॉर्म में काम करते हो सो तो आपके आपके पास इन्वेस्टिंग के बहुत आइडियाज होंगे बट लेट्स टेक अवे दैट आप आपके पर्सनल लेवल पे आपने जो भी सीखा है इन्वेस्टिंग के बारे में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो बिकॉज काफ़ी काफ़ी लोगों के पर्सनली बहुत लॉसेज होते हैं वो गलत स्टॉक्स चूज कर लेते हैं गलत ई चूज़ कर लेते हैं अभी मैंने मैंने ना 2020 में गलती की थी कैथीवुड के, के बहुत सारे ई ले लिए थे एफ टी में इन्वेस्ट कर लिया था तो मेरे बहुत लॉसेज होते थे मेरे काफ़ी दोस्त है जो कैथीवुड पर कैथीवुड की इन्वेस्टिंग पे रिलाई करते हा, थे हा, 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 तो अभी प्रूव भी किया जाता है कि एस एम पी फाइव हंड्रेड को बीट करना बहुत मुश्किल है कभी कभी वॉरेन बफे कर पाया उसका उसका वर्कशॉप हाँ, 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 हर कोई नहीं कर पाता तो हाउ डू यू लुक एट इन्वेस्टिंग एंड हाउ डू यू डू इट ठीक है तो अगेन लाइक आई विल गिव अ डिस्क्लेमर जो मेरा बोलना है ये सब मे, मेरा पर्सनल इंटुएशन है जिसपे अगर मैं थोड़ा बहुत खुद का इन्वेस्ट करता हूँ तो करता हूँ दिस हॉज नथिंग टू डू विथ एनी रिलेशन टू एनी ऑफ माई कंपनी और एनीथिंग और एनी और दूसरे जिसको करना है अपने विवेक से करें मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ एंड सब्जेक्ट मार्केट इज मार्केट एवरी थिंग ठीक है <laughs> तो जो सोच समझ के करें तो मेरा ऐसा सोचना है कि देखिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डे ट्रेडिंग में आ, बिलीव नहीं करता हूँ एक तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ सेकेंडली डे ट्रेडिंग फिर आपका एक फुल टाइम जॉब बन जाता है वो इतना आसान नहीं होता है कि आपको बहुत कंटिन्यूसली मार्केट ट्रैक वगैरह रखना पड़ता है एंड इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिससे आप नहीं कंपीट कर सकते हैं खूब सारे काफ़ी सारे हेज फंड्स हैं आई थिंक एक मेडालियन हुआ करता था पहले तो उन्होंने कुछ नाम बदल दिया और और भी कई सारे बड़े बड़े हेज फंड्स हैं तो वो डेली बेसिस पे जस्ट इमेजिन की लाइक पाँच सौ हजार लोग जो कि लाइक मैथ ओलम्पियाड क्लियर करे हुए हैं तो जस्ट इमेजिन यू आर लिटरली ट्राइंग टू कम्पीट अगेंस्ट लाइक फाइव हंड्रेड थाउजेंड पीपल और पी एच डीज इन मैथमेटिक्स दैट आर वर्दी ऑफ लाइक हैविंग ओलम्पियाड क्लियरेंस और दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो यू जस्ट कैन नॉट बहुत मुश्किल है कर भी सकते हैं तो ठीक है आप यू आर प्री मच इंटेलिजेंट इफ यू कैन यू कैन डू दैट राइट बट जस्ट इमेजिन कम्पीटिंग विद हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ दैट पीपल ऑन अ डेली बेसिस तो मुश्किल होता है राइट एंड उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा होता है आप पर्सनली उनको बीट नहीं कर सकते राइट तो मेरा ऐसा सोचना है और जैसा आपने एक चीज़ बोली राइट बॉर बफेट के बारे में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट मार्केट अगर मार्केट ही खराब है ठीक है आप एक दो लोग होंगे जो बीट कर लेंगे और उसमें भी बहुत इंटवेसन और लाइक पूरे पूरे डिकेड लेवल रिसर्च लगती है जैसे कुछ माइकल बरी था जब वो हुआ था बिग शॉट या कुछ एक मूवी में दिखाया था राइट हाँ हैंडफुल ऑफ लोग थे बाकी पूरा मार्केट बैठ गया बस इन्होंने पैसा बना लिया कैसे बनाया होगा फॉर सम रीज़न बट बहुत हैंडफुल ऑफ लोग थे बाकी तो पूरा मार्केट बैठ गया राइट तो मेरा सा मानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर चीज़ रहती है कि आपका ड्यूरेशन है जैसे चार महीने पाँच महीने या उसके ऊपर के हिसाब से देख रहे हैं और आ, मैं पर्सनली डे ट्रेडिंग नहीं करता तो मैं एडवाइस भी नहीं करता किसी को अनलेस वो कुछ सुपर जीनियस हो जो कि बीट कर पाए इस लेवल के लोगों को और जैसा आपने बोला ये वॉरेन बफेट का एग्जांपल है कि लाइक और ये इसके पीछे रिसर्च भी है मेजॉरिटी ऑफ जो आपके आ, जो पर्सनल वेल्थ इन्वेस्टर या हेज फंड्स हैं वो भी मार्केट बीट नहीं कर पाते अगर आप उसके दस लेवल दस सॉरी दस साल का अगर आप रिटर्न देखें तो आई वुड से ई वगैरह अच्छा डील होता है या आपके कुछ पर्सनल स्टॉक्स जिसमें आप डालना चाहते हो कि आपको लग रहा है कि गूगल अच्छा कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट अच्छा कर रहा है एन अच्छा कर रहा है तब तो उसमें डालिए ठीक है एंड थोड़े बहुत वो हैं जैसे ई हो गए तो जैसे मैं उसमें भी कुछ कुछ मैं इन्वेस्ट करके रख रखते हैं कि थोड़ा इंडेक्स बेस्ड जो है ज़्यादा देख रखे हैं और मैंने तो ख़ुद का ही एक सेगमेंट बना रखा है कि लाइक थोड़ा बहुत मार्केट इंडेक्सेस वाले डालने जैसे एस के हो गए नहीं तो नाजडाक हंड्रेड के बेस के फंड्स हो गए और थोड़ा सेक्टर बेस्ड देख लिया कि हेल्थ केयर हो गया या फिर सेमी हो गया या फिर इस टाइप के फ़ंड तो कुछ नाम दे सकते हो मतलब तो अलग अलग तो आई लाइक आसान तरीका ये है कि आप मैनेजमेंट फीस देख लीजिए जैसे आ, S &P 500 में कुछ वी ओ ओ ओ है, एक का, तो है। आ, काफी कम रहता है हाँ, पर मैं एफ में ज्यादा करता हूँ पॉइंट जीरो फर्क नहीं है पर तो उसमें ऐसा ही है कि आप देख सकते हैं बेसिकली आपकी मैनेजमेंट भी थोड़ी कम कहाँ लग रही है वहाँ पैस, पैसा बचाना चाहें तो थोड़ा मार्केट लिक्विडिटी भी देख सकते हैं कि आप पैन कार्ड की लिक्विडिटी ज़्यादा है हाँ हाँ जी तो आप वो देख सकते हैं कि लाइक अगर आपको थोड़ा फनजेबल फंड ज़्यादा चाहिए तो वो देख के आप आप वो देख सकते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं ओह ओहवाओ तो टॉप आप बताना हर चीज़ में आप हेल्थ केयर में टॉप कौन सा फ़ंड यूज़ करते हो तो फंड का नाम मुझे याद नहीं है बट आई थिंक वो प्राइमरीली आप देख सकते हैं कुछ सेट ऑफ़ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है तो हेल्थ केयर में वो है सेमी कंडक्टर्स में मैं प्रेफर करता हूँ मेरे खुद के लिए एक एस एम एच नाम का है राइट वो वो ठीक ठाक परफॉर्म करता है इन्होंने मुझे बताया एनवीडिया डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि कुछ नहीं पता कब नीचे जा सकता है पर एस एम एच इज़ लाइक है और सेकेंडली यही लाइक मैं इंडिविजुअली खुद इतना डेटेड करता नहीं और ना ही मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ कि मैं इतना टाइम मेरे पास है कि मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ूं, फिर इन्वेस्ट लगाऊं। तो लाइक कुछ कुछ हम रूल हैं इंडेक्स वाले फंड ये सब एक बंच ऑफ स्टॉक्स रखते हैं तो अब वो मतलब वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अब लास्ट में आई वॉन्ट टॉक अबाउट अपने स्किल्स तो बता दी कि ये चीज़ें चाहिए फॉर एग्जांपल मैथ्स चाहिए उन्हें लीना चाहिए एंड लिटिल बिट स्टैट्स चाहिए पर ये सीखे कहाँ से कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे पे एंड्रयू का जो कोर्स आपने रहे, बताया रहे। रहे। पर वो शायद आउटडेटेड हो गया छः सात साल हो गए हैं तो आप अगर अभी से किसी को स्टार्ट करना है कैसे कर सकते हैं तो देखिए अभी जैसा आपने बताया था पहले कि लाइक मार्केट डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया राइट अभी जैसे पहले क्या होता था कि आपके पास एक जी पी बेस्ड एल अवेलेबल नहीं था तो पूरी पूरी टीम्स हुआ करती थी जिनका काम होता था कि स्पेशलाइज मॉडल ट्रेन करना राइट लेट्स से मुझे एंटिटी रिकगनीशन करना है किसी चीज़ के अंदर की आ, मेरे पास रिव्यूज़ हैं मेरे लेट्स ये एक्सपीडिया के खूब सारे रिव्यूज़ हैं राइट right? उसमें मुझे देखना है कौन सा रिव्यू अच्छा है कौन सा ख़राब है तो मैं खुद का थोड़ा डेटा सेट अपना मार्क कर लूँगा ट्रेन कर लूँगा बार बार उसको ट्रेन करके अच्छा कर लूँगा बट अभी जी में आप वो डाले हैं वो खुद ही बता देगा रिव्यू अच्छा है नहीं है राइट right. तो आपकी नीड ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है वो यही हो रहा है कि मॉडल ट्रेनिंग का काम आप एक हैंडफुल ऑफ़ लोग इन बड़ी कंपनी कर रहे हैं जो कि मॉडल एज एन एपीआई अवेलेबल कराते रहे आपका काम ज़्यादा ये हो गया है कि पाइपलाइंस बिल्ड करना एंड फाइन ट्यून करना एंड फाइन ट्यून करना तो आज के तारीख में अगेन कोडिंग जैसे मैंने बोला तीन बकेट्स हैं कोडिंग आपको आनी चाहिए राइट बगैर उसका कुछ नहीं होने वाला कितनी ही मैथ पढ़ लीजिए कितना ही क्या कर लीजिए अल्टीमेटली जब करना है तो कोड ही करना होता है तो वो आनी चाहिए ठीक है थोड़ी मैथ आनी चाहिए आज की तारीख में भी अगर और मैं 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 एक जेनरिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्पेशलाइज मॉडल्स अभी भी कोई बड़ी कंपनी स्कोप के लिए आपको बनाना है तो आपको खुद ही ट्रेन करने पड़ते हैं तो उसके लिए आपको मैथ वगैरह आना चाहिए और बिजनेस इंटुएशन सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में कैसा है आप ऐसा नहीं सोच सकते कि लाइक मान लीजिए मैंने हेल्थ केयर में काम किया तो उसके फंडे मैं जाकर टेक कंपनी में लगा रहा हूँ वो नहीं लगेंगे और टेक कंपनी के फंडे हेल्थ केयर में नहीं लगेंगे जैसे वो बिजनेस को चला दें तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच अभिषेक बहुत अच्छा <laughs> लगा आपसे बात करके वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड डू चेक इम आउट ऑन लिंकडेन एज वेल थैंक यू